जब भी लव स्टोरीज की बात होती है तो हम अक्सर हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट की बात करते हैं, लेकिन आज मैं आपको उनसे भी प्यारी एक लव स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये लव स्टोरी है बलराज और फातिमा की। फातिमा का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुआ और ठीक 5 दिन के बाद खुर्द, पंजाब में जन्म हुआ बलराज का। बलराज बन गए एक रेडियो जॉकी और फातिमा बन गई सबकी पसंदीदा एक्ट्रेस। पता है, एक बार बलराज ने फातिमा का इंटरव्यू भी किया। ये अलग बात है कि फातिमा की खूबसूरती को देख बलराज एक भी सवाल पूछ नहीं पाए और वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया। कुछ साल बाद ये दोनों हीरो हीरोइन एक फिल्म सेट पर मिले। इनमें प्यार हुआ और जब इन्होंने शादी की तो मानो खुद प्यार का सपना पूरा हो गया। पता है बलराज और फातिमा कौन है? वो हैं आपके, मेरे, हम सब के फेवरेट, द आइकॉनिक सुनील दत्त जी और नरगिस दत्त जी। Is dedicated to our beloved Sunil Dutt ji and Nargis Dutt ji. Firstly, I want to thank everybody for honoring my mother and father. Like Nargis ji aur Dutt sahab great actors to the, lekin usse badhke bahut bahut bade insaan the, you know, jinhone samaj ke liye aur desh ke liye बहुत कुछ किया, अपनी जान तक दे दी, और मैं उनका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि समाज के लिए और देश के लिए मैं अपनी जान दे दूँ। और आई जस्ट विश दैट आई कैन बी 10% ऑफ व्हाट दे वर। थैंक यू। तेरी
खूबसूरत गाने हैं जहाँ तक मुझे लगता है आपने इन गानों को चुन के एक बहुत बड़ा यू नो दैट एफर्ट ओनली काउंट्स बिकॉज ट्रूली इट्स नॉट एन ईजी टास्क. थैंक यू मैम. बिल्कुल इट वॉज अमेजिंग. और मैं दाद देता हूँ तुम्हारी और सब लोगों की यहाँ पे कि इतना इतना टैलेंट ये देश में भरा है. एंड आई वांट टू थैंक इंडियन आइडल फॉर डूइंग दिस. यू नो थैंक यू. दोस्तों नरगिस जी दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक थी और साथ ही साथ वो इंडिया की पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया. लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि नरगिस जी कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती. जब वो 14 साल की थी तब मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर महबूब जी ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट देने के लिए कहा और सिर्फ महबूब जी का मान रखने के लिए नरगिस जी ने वो स्क्रीन टेस्ट दे दिया. लेकिन उनके अंदाज को देख महबूब जी ने कहा अरे भाई पेड़ लाओ मुझे मेरी हीरोइन मिल गई. और छोटी उम्र में नरगिस जी ने कमाल कर दिया और एक कमाल इंडियन आइडल की सबसे छोटी सिंगर आलिया ने भी किया है. इसलिए आज हम भी कहना चाहते हैं भाई लड्डू लाओ क्योंकि हमारी आलिया ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड कर लिया. मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आद्या ने शेखर ऑफ विशाल शेखर के साथ अपना पहला सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया है जो कुछ ही महीनों में रिलीज भी होने वाला है. तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आद्या का एक्सपीरियंस कैसा रहा. आद्या वेलकम टू माय गरुड़ स्टूडियोस. मैंने सही में कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ बैठूंगी ऐसे और आप मेरा गाना रिकॉर्ड कर रहे होंगे. गाने का नाम है बनी ठंडी. सो आद्या डोंट बी नर्वस लेट्स स्टार्ट. ये गाने को सजाते हैं ठीक है. आद्या की आवाज में सिंपलिसिटी है खुद की एक आवाज खुद का एक टेक्सचर. आई थिंक ये बड़ी गिफ्ट है आद्या को. ये गाना बहुत जल्द रिलीज होगा मेरे लेबल पे. मैं बहुत थैंकफुल हूँ टू इंडियन आइडल एंड टू शेखर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. I'm so happy and grateful to Shekhar for doing this. And I'm so happy for you, Adya. Congratulations! Thank you so much, Mama. Thank you. I can't wait to hear it. It's going to be amazing. Thank you so much. Good luck. वहाँ तो हो गया, अब यहाँ भी एक शानदार परफॉर्मेंस हो ही जाए. Ready? तू पे पल मैं होती हम
पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहला ऑटोग्राफ आप मुझे देंगी। अरे इतना बड़ा जाओ, जाओ जल्दी। क्या बात है? मेरा नाम तो लिख दे। Thank you. मेरी जो मॉम है वो बहुत बड़ी फैन है नरगिस जी की एंड वो आज उन्होंने थोड़ा जैसे उनको बोला जाता था वुमेन इन वाइट तो मेरी मम्मी ने थोड़ा सा उनको कॉपी करने की कोशिश करी है। क्या बात है? She used to wear white, sir. Always white, ना? हाँ। सर, एक्चुअली मैं आपकी भी फैन हूँ, मैं बहुत बड़ी, लेकिन आपके मम्मी पापा की मैं ज़्यादा बड़ी फैन हूँ। तो एक्चुअली नरगिस जी को मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ और ऐसा होता था कि वो स्क्रीन पर आती थी जब तो मेरी मम्मी कहती थी पता है एक लेडी को ऐसे होना चाहिए। हमने ना सारी लड़कियों के साथ एक गाना प्रिपेयर किया था थोड़ा सा कि उनको डेडिकेट करेंगे। कीजिए ना प्लीज। क्या बात है आदिया की मम्मी, वेरी 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 नाइस, वेरी नाइस, बहुत क्यूट, बहुत स्वीट, ढेर सारी तालियां। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे बुलाया, नहीं मैं तो ऐसा डांस ही नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इज्जत मेरी मम्मी को दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. So sweet. Judges, pose, please. क्या बात है? सर झुकाया, सर
सफर कौन जाने कल किधर। आ जा सनम मधुर चांद साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। जियो और न सर झुका के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के चार गाने मेरे पापा ने मुझे बताए थे मोटिवेट रहने के लिए, वो हैं ना मुंह छुपा के जियो जो आपने गा लिया, दूसरा था रुक जाना नहीं, दुनिया में आए हो तो काम कर यारो, और चौथा था कुछ तो लोग कहेंगे। क्या बात, लोगों का काम है। हाँ, हमेशा मोटिवेट रहने के लिए पापा बोलते थे ये सुन लिया करो तो मोटिवेट रहोगे। पीयूष यार गाओ तो सही यार प्लीज। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो काम कर प्यारे 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 प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे 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 प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे 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 प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे।
आज तुमने जो तीन कमाल के गाने गाए, एक रफी साहब का गाना, एक मन्ना दे साहब का गाना, एक महेंद्र कपूर साहब का गाना, इनको निभा पाना कोई छोटी बात नहीं है पीयूष. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. फैबुलस. आई फील सो ऑनर्ड कि मैं इस सीजन में आई हूँ और मुझे ये कमाल का टैलेंट दिख गया और आई फील सो एनर्जाइज एंड इंस्पायर्ड. थैंक यू सो मच. ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जो म्यूजिक कर रही हूँ मुझे भी अब कमर कसनी पड़ेगी. एंड मैं जहाँ जा रही हूँ, जहाँ पे भी लोगों से मिलती हूँ, मुझे बस यही सुनने को मिलता है. दिस टाइम इन दिस सीजन वी हैव द मोस्ट इनक्रेडिबल वैरायटी ऑफ द बेस्ट ऑफ द टैलेंट. कौन है? कहना है कहना है. वाह क्या बात है. कहना है कहना है आज तुमसे पहली बार. हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार. अरे सिंगिंग इज़ सो वेल यार. तुमसे कहने वाली प्यार प्यार अरे है. ला 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 मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए. बरसात भी आकर चली गई, बादल
भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में, एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे भोले बलम, मेरे प्यारे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना, ओ मेरे पिया है वो दिया के जिसमें तेल ना हो, के जिसमें तेल ना हो। मेरा जीवन तेरे बिना ओ एक बाग है बाहर, जिसे हटकर गुजरे दूर दूर से गुजरे। अपना बना ले ओ भोले, अपना बना ले हाय रे भोले, अपना बना ले। ए तेरे कदम में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है मुझे अपना बना ले। तेरे कदम में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है मुझे अपना बना ले। अरे गुरुजी गुरुजी एकाने शो एकाने, अरे एकाने शो। अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा? जवाब? अरे पंगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सो जाता है। कहना, अरे समझा 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 समझा। टू गुड, मेरी प्यारी की गोली, मेरी भोली की गोली, माथेर पिकोली, सिंदूरी पिकोली, पिकोली पिकोली। मेरे प्रेम की नैया बीच भवर में, गुरगुर को देखाए झटपट पार लगा दे, ओ झटपट पार लगा दे। अपनी पैया गले में डार बन जा, मेरे गले का हार, झूले प्रेम ही डोले, ओ झूले प्रेम ही डोले। तू झटपट झटपट मेरी, अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला, ओ जरा कर दे उजाला। Hey दीपान, ये तो तुम्हारा लव स्टोरी नॉय, ये कर पिकुली 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 पिकुली, ये तो तेरे बिंदुरे प्यारे दिल पर मेरे दीपन दीपन आए हाय। अब दिख रहा है दीपन क्या लग रहे हो यार। परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग। मुझे मेरे पापा की याद आ गई। क्या बात है, थैंक यू। जब तुम कर रहे थे, कद में थोड़े छोटे हो लेकिन फिर भी हर कैरेक्टर में घुसने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि दीपेन पहले क्या थे और अब क्या बन गए। अरे वाह, पिक्चर प्लीज। ये देखिए, सच में मैं अपने आप को देख के पहली बार नहीं मतलब पहचान पाया। अब आवाज पहचानने में आई है। आपने गाना भी गाया ना, बिल्कुल दीपन नहीं लग रहे थे आप, कैरेक्टर में ऐसे घुल गए थे। इट वाज अमेजिंग ब्रदर, आपका आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। थैंक यू सो मच। अच्छा, इज इट ट्रू सर कि इस पिक्चर में ऐसी गहरी दोस्ती हो गई थी दत्त साहब की और किशोरदा की, कि वो पर्सनल लाइफ में भी एक दूसरे को गुरु और भोला बुलाते थे? इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी जहाँ वो गुरु बोलते थे, ये भोला बोलते थे। म्यूजिक भी सीखने लग गए थे। और एक चीज मैं अभी आपको सबको बोलूंगा या जितने भी बैठे हैं पड़ोसन, सोची नहीं गई थी, वो बन गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो सेट पे आते थे, सब लोग सीन पे डिस्कस होता था, टेक हो जाता था,
इम्प्रोवाइज इतना होता था सेट पे, आई मीन वो पागलपन था वो सेट के ऊपर. तो ये जो तुमने लास्ट गाना गाया है मेरी बिंदु रे बिंदु, मुझे याद है दत्त साहब मुझे बोलते थे कि हम लोग सेट पे आए तो पूरा ये सीन था, तो दादा आए उन्होंने सीन पढ़ा, पापा को बोलते थे भोले पैकअप कर देते, पैकअप अरे बाप रे, पैकअप करके किशोरदा निकल गए कल सुबह मिलेंगे. वो रात को गए, रात को गाना रिकॉर्ड किया ये वाला. अरे बाप रे. और अगले दिन सुबह आए बोले कि अभी ये डायलॉग नहीं होंगे, ये गाना होगा पिक्चर का. तो पड़ोसन इट्स अ लेजेंडरी फिल्म, आई थिंक हर इंसान आज तक याद करता है. सर मेरा बहुत फेवरेट मूवी है, मतलब अनगिनत बार मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी. ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लेट है. यार मैं तुम्हें एक झप्पी देना चाह रहा हूँ. सर जब मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी उस दौरान सेट पे एक्चुअली आग लग गई. सुनील सर मतलब लिटरली हीरो की तरह गए जान की परवाह ना करते हुए और नरगिस जी की जान बचाई और वहाँ से ये लव स्टोरी शुरू हुई. वो सीन था जहाँ खेत में आग लगा दी थी, दत्त साहब डाकू बन चुके हैं और वहाँ पनाह लेते हैं और वो लोग जला देते हैं जी. मम्मी जाती हैं तो क्या हुआ जब मम्मी गईं तो आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी. ओके मतलब कि वो मतलब अगर दत्त साहब नहीं जाते शी वुड हैव नॉट बीन अलाइव. लेकिन फिर वो गए उनको बचा के लेके आए तो काफी जल भी गए थे. प्यार हो गया यार. घंटी बज गई दत्त साहब की. Everybody, put your hands together for Utkarsh Wankhede. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. ना मैं तुमसे
इशारा तो हिट से ज्यादा लिट है। कभी कभी आप ऐसा गा देते हो ना कि ऐसा लगता है कि यार हमने बहुत बड़ा काम कर लिया आपको ढूंढ के। सीरियसली इनक्रेडिबल ब्रदर, आप आगे जाके बहुत कामयाब म्यूजिशियन बनोगे, दिस आई नो। एक्चुअली सुनील दत्त साहब के लिए महेंद्र कपूर जी के बहुत सारे गाए, ऐसे बहुत कमाल गाने हैं, महेंद्र कपूर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वाओ, व्हाट अ फिनोमिनल सिंगर। एंड आई मस्ट से उत्कर्ष, तुमने बहुत दिल से, ठहराव के साथ, दर्द के साथ गाया। मैं आशा करती हूँ कि हम साथ में आगे जाके काफी सारे डुएट्स गाए। बिल्कुल मैम, रिकॉर्ड करें जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, मींस अ लॉट। मुझे एक चीज पूछना है सर से, कि मैं जो म्यूजिक सीखा हूँ आज यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे पापा की वजह से, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके जो मेंटर्स थे वो आपके पापा ही थे, तो मेरे जो पापा है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पापा भी स्ट्रिक्ट थे। मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट थे कि
अगर वो बैठे हैं तो मेरी बैठने की हिम्मत नहीं होती। एक पापा अगर सेट पे रहे और डायरेक्ट करो, जिस किस्म के पापा हैं तो हालत वैसे ही बुरी हो जाती है। एक सीन चल रहा था, 3-4 बज गए थे, तो फारूक साहब जो उनके मेन चीफ असिस्टेंट थे, उन्होंने बोले इधर। मैं बोला हाँ फारूक साहब। भाई खाना खाया तूने? मैंने नहीं फारूक साहब। बोले जा जा खाना खा ले, वो लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, मैं बुला लूँगा तुझे। हाँ ठीक है फारूक, जाऊँ? बोले हाँ जा जा। मैं गया, फटाफट खाना खा रहा था, इतने में डैडी की एंट्री, शॉर्ट लगा दिया। वो बोल रहे वो कहाँ गया है वो संजय दत्त? हाँ कहाँ गया, मतलब बहुत चिल्ला है वो। तो मैं भाग के यार, मैं बोला भड़क गया। मैं बोला हाँ जी, कहाँ गए थे तू? पापा वो खाना खाने गया था। खाना खाने गए थे? मैंने खाना खाया क्या? मैंने खाना खाया कि नहीं? मैंने बोला नहीं पापा, पता नहीं। पैकअप आज शूटिंग? मैंने बोला नहीं पैकअप मत कीजिए। नहीं नहीं, मैंने बोला फारूक साहब ने मेरे को बोला खाना खाने के लिए। फारूक किधर हो? फारूक साहब भाई जी दत्त साहब, तुमने भेजा क्या खाना खाने के लिए? बिल्कुल नहीं दत्त साहब। तब मुझे लगता था मेरे पापा मुझे प्यार क्यों नहीं करते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि उन्होंने क्या मुझे बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थे। आज जो कुछ भी मैं झेला हूं उनकी वजह से है, चाहे जेल हो, चाहे ये हो, चाहे वो, ड्रग्स हो, कुछ भी हो, हर चीज से जो बाहर निकला हूं सिर्फ पापा की वजह से। वो उनका स्ट्रिक्ट नहीं है, उनका टफ लव है, इतना याद रखना। When did you really start feeling that कि हाँ कहीं डैड सेटिस्फाइड है मेरे काम से? ये मुन्ना भाई MBBS की शूटिंग पे मुझे ऐसा लगा कि पापा सेटिस्फाइड है। बिकॉज एक शॉट हम दोनों ने दिया था जहाँ वो मुझे एंड में पकड़ते हैं, वो शॉट के बाद में उन्होंने मुझे बोला बेटा मैं वेरी प्राउड ऑफ यू। तो इतने साल लग गए उन्हें। एग्जैक्टली। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मेनका पोडेल।
चलो मेनुका, ये आपका घर है, आपको टेंशन लेनी है कोई जरूरत नहीं, हम लोग सब आपके साथ। हार्ट बीट हो रहा है। नहीं नहीं ठीक है, रिलैक्स कीजिए आप आराम से। पानी एक बार पीती हूँ। जी जी जी। Let us sit down somewhere. हार्ट बीट हो रहा है। हाँ तो होने दो, हार्ट बीट होता है, ठंडा हो जाएगा, रिलैक्स। रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, हम लोग सब है आपके साथ में, कोई प्रेशर नहीं। आपको नहीं गाना है अभी, आप मत गाइए। तुम जो भी गा रहे थे वो वैसे ही इतना खूबसूरत लग रहा था। प्रॉब्लम विद मेनुका इज शी इज अ परफेक्शनिस्ट। नहीं आप कंटिन्यू मत कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए। क्योंकि हम सुनील दत्त जी और नरगिस दत्त जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आपने जो अधूरा परफॉर्मेंस दिया उसको आप पूरा तो ज़रूर करिए। सो इफ़ यू आर रेडी प्लीज सिंग। रेडी मैम। मेनुका, तुम्हारी आवाज बनी हुई है इन गानों को गाने के लिए। तो अगर उदास होगा, क्यों नहीं गाया? आ तो रहा था। अच्छा उसमें नहीं गाया तो अभी तो गा दो। स्लो गा दो, लेकिन गा दो, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं भरा। कभी मुझे को याद करके जो जब तुम इस मंच पे खड़ी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको ये गाने को पूरा अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम कैपेबल हो। सारे म्यूजिक लवर्स, पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड वाइड के जितने सुनने वाले लोगों के एकमात्र आशा की किरण हो कि Thank तुम you. नहीं करोगी तो कौन करेगा। आई लव यू। थैंक यू सो मच। बहुत कमाल का गाया है, लेकिन मैं नाराज हूँ आपसे। बट आई लव यू। थैंक यू सर। लेकिन कभी छोड़ना नहीं, यू हैव टू कैरी ऑन, यू हैव टू ब्रेक दैट बैरियर, जो भी हो जाए। मुन्ना भाई, आइकॉनिक फिल्म,
ये किरदार करने के लिए क्या सुनील दत्त साहब ने आपको पुश किया था? हाँ, मुझे कहा जरूर था उन्होंने, ये करो ये वो। विनोद चोपड़ा साहब मेरे भाई समान है, उन्होंने मुझे बुलाया था कि एक छोटा रोल है मुन्ना भाई MBBS में, वो तू कर ले। तो मैंने बोला ठीक है, कौन सा रोल है? तो जहीर का, जो जिमी ने किया था वो। तो मैंने बोला हाँ कर लेता हूँ सर, मैं भी पंजाबी आदमी हूँ, हाँ पर ही मैं कर लूँगा। वाओ। तो बोले ठीक है, तो डन। मैंने बोला डन, अरे सुन तो ले। मैंने नहीं सुनना, मैं कर लूँगा, आपको बोल दिया मैंने। मैं निकल गया, रीच्ड होम, मैंने गॉट अ कॉल अगेन कि वापस आ जा। तो मैं वापस गया तो इसे तू मुन्ना भाई करेगा? मैंने बोला सर मैंने बोला ना कर रहा हूँ, तो अभी वापस क्यों बुलाया? बोले अरे मुन्ना भाई करेगा तू। और कौन सा मुन्ना भाई? बोले जो मेन कैरेक्टर है वो करेगा। बोला आप बोलो करूंगा तो कर लूंगा यार। क्यों यार? ऐसे बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस मैन हूज ऑल हार्ट, नन अदर देन संजय दत्त। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।